हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट को। इससे पहले वाले क्वेश्चन पिछले वीडियोस में हो चुके हैं और वो आपको प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन कहता है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सही मार्क्स देने के, सही क्वेश्चन करने के 3 मार्क्स मिलते हैं, गलत क्वेश्चन करने के 1 मार्क्स कट जाते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अभी देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितने क्वेश्चंस उसने टोटल पेपर में किए हैं, पेपर में टोटल क्वेश्चन थे कितने, ठीक है, ये आपको पता लगाना है। तो इसको करने के लिए शुरुआत ये करिए कि यश ने करेक्ट क्वेश्चंस जो किए वो थे एक्स, ठीक है, और जो यश ने रॉन्ग क्वेश्चंस किए वो थे वाई, मतलब उनका आंसर रॉन्ग दिया वो है वाई। तो जो क्वेश्चन करेक्ट किए वो एक्स हैं और जो क्वेश्चन रॉन्ग किए वो वाई है, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, यानी करेक्ट और रॉन्ग मिलाकर एक्स प्लस वाई कितना है, ठीक है। और आगे पहली स्टेटमेंट जो हमने देखी वो ये थी कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अब जो उसने राइट किया है, राइट वाले क्वेश्चन है एक्स, तो उसके लिए तो उसको मिल रहे हैं 3 मार्क्स। तो एक सही क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, दो क्वेश्चंस पे दो सही करेगा तो 3 2 6 मिल जाएंगे, तीन क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो 3 3 9 मिल जाएंगे, एक्स क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो 3 × 3x मार्क्स उसको मिलने चाहिए सही करने के, ठीक है। ऐसे ही गलत क्वेश्चन करने पे उसका 1 मार्क्स कटेगा, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो, दो क्वेश्चन गलत हुए तो -2, तीन क्वेश्चन गलत हुए तो -3, चार क्वेश्चन गलत हुए तो -4, y क्वेश्चन गलत हुए तो -y, और ऐसे में जो उसके मार्क्स बने टोटल वो मार्क्स बने 40। अब ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर 4 मार्क्स दिए जाते सही आंसर के लिए, 4 मार्क्स सही आंसर के लिए, तो उसे मार्क्स कितने मिलते, 4x, और 2 मार्क्स काटे जाते गलत आंसर के लिए, तो 2 मार्क्स काटे गलत आंसर के लिए तो 2y। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, दो क्वेश्चन के लिए 2 2 4, तीन के लिए 2 × 3, चार के लिए 2 × 4, तो y के लिए 2 × y, और अब उसके मार्क्स आएंगे 50। तो इस तरीके से मैंने रफली तो आपको बता दिया इक्वेशंस क्या बनेंगी, और अब हम चलते हैं मेन सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं मेन इक्वेशंस। तो ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में आपने 2 कॉमन ले लिया है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड में 4x की जगह बच जाएगा 2x, 2y की जगह y, दिखा देते हैं कॉमन लेके, अगर नहीं आता तो 2 कॉमन लेना है, तो यहां बचेगा 2x और माइनस इधर से 2 गया तो y इज इक्वल टू 50, और फाइनली ये जो 2 है इसको अपॉन में भेजेंगे, 50/2 हो जाएगा 25, 2x माइनस y इक्वल टू 25। समझ में आ गया। तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन से कर देते हैं और वहां से हमारा xy आ जाएगा, इस तरफ करेंगे। तो पहली इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, और दूसरी इक्वेशन है कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो हमें साइन बदलना पड़ेगा इसका, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। जो पॉजिटिव है उनको माइनस करना है, जो माइनस है उनको प्लस करना है। तो ये कट जाएंगे, 3x माइनस 2x, x बचेगा और 40 में से 25 गया तो बचेगा 15, तो x हो गया 15। इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, या सेकेंड में पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो y आएगा इसमें 5, कैसे देखिए, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूं तो 2 × 15 मिलेगा 30 माइनस y इज इक्वल टू 25, ठीक है, 2 × 50 30 माइनस y इज इक्वल टू 25। अब इस 30 को ले जाइए राइट साइड में, तो लेफ्ट में है माइनस y, और 25 माइनस 30 हो जाएगा माइनस 5, दोनों तरफ नेगेटिव काटिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू तो थी 15, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 15 + 5 = 20, क्वेश्चन यही था ना, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो हो गए 15 + 5 = 20।
आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो एनसीईआरटी तो आपके पास रहनी चाहिए हमेशा, मैं यहां से भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, 100 किलोमीटर दूर है पॉइंट ए और पॉइंट बी। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स। अलग अलग स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 आवर्स में मिलेंगे। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। वट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। ठीक है, तो पहले सिनारियो समझ लेते हैं क्या है, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये पॉइंट ए है लेट अस से, और यहां पर एक और पॉइंट है पॉइंट बी, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर दूरी है। तो एक कार है यहां पर और एक कार है बी पॉइंट पर। तो एक कार ए से चल रही है, एक कार बी से चल रही है, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेट अस से इस डायरेक्शन। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ए की स्पीड है मान लिया जाए x किलोमीटर पर आर, और बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आर। तो पहले जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे में ए बी आपस में मिल जाती है, तो ऑब्वियसली ए की स्पीड ज्यादा है इसलिए वो बी को पकड़ सकती है ना, पीछे से उसको कैचअप कर सकती है। फिर इसके बाद अगले सिनारियो में कहा कि अगर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी ए इस तरफ जा रहा है और बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे को 1 आवर में मिल जाएंगे। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो तेजी से आ रहे हैं, जल्दी मिल जाएंगे। तो आपको ए की और बी की स्पीड बतानी है। तो पहली खास बात जो है वो ये है कि जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में, तो जो नेट स्पीड काम कर रही होती है, मतलब दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड काम कर रही होती है, वो होती है तेज वाली गाड़ी की स्पीड माइनस स्लो वाली गाड़ी की स्पीड। तो अगर इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो स्पीड जो काम कर रही है रिलेटिव वो है x माइनस y किलोमीटर पर आवर। एक बार ऐसे सोचिए, आपका दोस्त आपके आगे आगे भाग रहा है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और आप पीछे से आ रहे हैं और आपकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में आप अपने दोस्त की तरफ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं बढ़ेंगे, आप उसके तरफ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेंगे। उसकी स्पीड आपकी स्पीड में माइनस करके जो नेट स्पीड होती है वही स्पीड से आप उसके तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। और अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। जैसे रोड पे भी आपने देखा होगा, खिड़की के बाहर से देखिए जो गाड़ी अपोजिट लेन में आ रही है वो कितनी तेजी से आती दिखती है, और जो गाड़ी हमारे पैरेलल चल रही है यानी सेम डायरेक्शन में चल रही है वो कितनी स्लो दिखती है, क्योंकि पैरेलल चलने में स्पीड माइनस हो जाती है और हमारी तरफ आने वाली गाड़ी की स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसमें है, इसी से हम सारा काम करेंगे। अगला जो कंसेप्ट है वो ये है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेसिक फार्मूला है, इससे आप दो और फार्मूले बना सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। लिख लीजिएगा, काम आएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ बेसिक बातें समझने के बाद। ठीक, तो अगर पहली कार की स्पीड यू है और दूसरी कार की स्पीड वी है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यू माइनस वी हो जाएगी, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड यू प्लस वी हो जाएगी। ठीक है, तो यू बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये तो मैं समझा चुका। इसके बाद मैंने आपको सिखाया कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले केस में जो स्पीड है वो है यू माइनस वी, और डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर, और टाइम कितना था बेटे, टाइम था 5 आवर्स। तो 5 से 100 को आप कैंसिल करोगे तो यहां पर आ जाएगा 20, तो u माइनस वी हो गया 20। ये देख लीजिए पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए यही नॉलेज हम लगाएंगे,
और अब की बार हम कहेंगे कि डिस्टेंस है u प्लस वी, तो यहां पे लिख देते हैं u प्लस वी, सॉरी स्पीड है u प्लस वी, और डिस्टेंस तो 100 ही है, डिस्टेंस तो 100 ही है, और टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है, 1 आवर लगा है, तो 100 डिवाइड बाय 1 विच इज 100 ओनली, तो इससे आपकी दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक u माइनस वी इज इक्वल टू 20 और एक u प्लस वी इज इक्वल टू 100, और इसको सिंपल एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए। अब तक तो आप परफेक्ट हो गए होंगे एलिमिनेशन में, इन दोनों का साइन अपोजिट है तो v से v कट जाएगा, 2u बराबर आ जाएगा 120 के, ऐड हो जाएंगे u प्लस यू 2u, 20 प्लस 100 120, एंड फाइनली इस 2 से डिवाइड करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 60। तो जब u की वैल्यू 60 आ गई, इस वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे u की वैल्यू 60, तो ये होगा 60 प्लस वी इज इक्वल टू 100, पूरा लिखना है पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, 60 प्लस वी होगा 100, और यहां से 60 को जब RHS में भेजा जाएगा तो 100 माइनस 60 हो जाएगा 40। तो पहली स्पीड 60 किलोमीटर पर आर और दूसरी 40 किलोमीटर पर आर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन, और अब हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट। ये रहा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा जी, रेक्टेंगल का एरिया पता है ना, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, या विड्थ बोल लीजिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाता है अगर लेंथ को रिड्यूस किया जाए 5 यूनिट से, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। अब यह बड़ी सीखने वाली बात है, लेंथ को 5 से घटाया है, ब्रेथ को 3 से बढ़ाया है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, फिफ्थ पार्ट ये रहा, द लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, लेंथ को एक्स कह दिया, ब्रेथ को वाई कह दिया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सभी को पता है ये बात। तो अब देखिएगा बेटे, अगर लेंथ को 5 से घटा दिया, तो 5 से घटा दिया रिड्यूस बाय 5, सो द न्यू लेंथ इज एक्स माइनस 5, और विड्थ को 3 से बढ़ा दिया, सो न्यू विड्थ इज वाई प्लस 3, और नई वाली लेंथ और नई वाली विड्थ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नया वाला एरिया आ जाएगा, तो ये आपका नया वाला एरिया है, नई वाली लेंथ इंटू नया वाला विड्थ इज इक्वल टू नया वाला एरिया, और नया वाला एरिया पुराने एरिया में 9 कम है। एक बार फिर पढ़ दूं आपके लिए क्वेश्चन, बुक आपके पास है, मैं पढ़ देता हूं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, जो नया एरिया है वो ओरिजिनल एरिए में 9 कम होता है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 देख सकते हैं, एंड विड्थ इज ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ को 3 से बढ़ाया, लेंथ को 5 से घटाया, तो जो नया एरिया है वो पुराने एरिए में 9 कम होता है। बन गई इक्वेशन, अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 3x, है ना, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस 5 की बारी आई, माइनस 5 को भी दोनों से मल्टीप्लाई, पहले माइनस 5 को y से और फिर माइनस 5 को 3 से, तो माइनस 15, और राइट साइड में है हमारे पास एक्स वाई माइनस 9, और अब हम देखते हैं कैलकुलेशन, माइनस 9 इस एक्स वाई से, एक्स वाई कट गया और आपके पास लेफ्ट में बचा 3x माइनस 5y, और माइनस 15 तो था ही, माइनस 9 को इधर ले आए तो प्लस हो गया, माइनस 15 प्लस 9 कितना होगा, माइनस 15 प्लस 9 होगा माइनस 6, तो लेफ्ट साइड में बन गया 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या स्टेटमेंट थी, आगे की स्टेटमेंट है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, लेंथ को 3 से बढ़ा दें यानी x प्लस 3, और ब्रेथ को 2 से बढ़ा दें तो x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है, द एरिया इंक्रीज बाय 67, तो एरिया 67 से बढ़ जाता है। अब इसी को हम सॉल्यूशन में देखते हैं, यहां पे मैं करके दिखाता हूं आपको, लेंथ को 3 से बढ़ा दिया और विड्थ को 2 से बढ़ा दिया,
तो जो नया एरिया है, नया एरिया क्या आया, नई लेंथ इंटू नई नई ब्रेथ, नई लेंथ इंटू नई ब्रेथ, तो इनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि नया एरिया बराबर है ओल्ड एरिया, ओल्ड एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई प्लस 67, क्योंकि ओल्ड एरिया में 67 ज्यादा है। ठीक है बेटे, तो इसको भी जैसे मैंने यहां कैलकुलेट किया वैसे कीजिए और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, राइट, 2x प्लस 3y माइनस 61। और अब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको एक्स वाई के कॉफिशियंट सेम लेने पड़ेंगे। यहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व किया हुआ है जो कि अभी कोर्स से हट गया है, तो मैं उससे नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा एलिमिनेशन से। ठीक है, तो देखिएगा पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 61। मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, जिससे y का कॉफिशियंट बन जाएगा माइनस 15, ओके, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, तो यहां पर भी 5 3 15 वाई का कॉफिशियंट बन जाएगा। और जब कॉफिशियंट सेम हो जाएंगे तो सॉल्व करना तो बहुत ही आसान काम है उसके बाद, तो 3 3 9x माइनस 15y माइनस 18 इजिकल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को 5 से। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप देखिए y के कॉफिशियंट सेम हो जाएंगे, y के कॉफिशियंट सेम हो जाएंगे, 5 3 15y और 61 5 305, तो y का कॉफिशियंट सेम हो गया और उनके साइन अपोजिट हैं, तो इससे हमको बेनिफिट ये है कि हमको साइन भी नहीं चेंज करने, सीधा सीधा ये कैंसिल, और 10 प्लस 9 हो जाएगा 19x, और माइनस 305 और माइनस 18 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 323, जो कि राइट साइड में बन जाएगा जाकर 323, है ना, -323 था जो राइट साइड में बेच के 323 बन गया, तो एक्स आ गया 323 बाय 19, और 19 से इसको डिवाइड करना है तो आई गेस 7 से जाएगा, 7 9 63, 7 1 7 प्लस 6 आई गेस 17 से जाएगा, 19 17 सा, हाँ 7 9 63 करेक्ट, एक्स आ गया 17, और एक बार आपका एक्स आ गया तो इसको आप पुट कीजिए किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, तो आपका वाई भी आएगा। मैं फर्स्ट में करके दिखाता हूँ, देखिए एक्स 17 आ गया, तो फर्स्ट में पुट करके दिखाता हूँ मैं आपको, 3 इंटू 17 51 हो जाएगा ये, माइनस 5y माइनस 6 इजिकल टू 0, तो 17 3 51, 51 में से 6 गए 45, तो 45 माइनस 5y, और बेटे बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 5y को राइट में भेजिए तो लेफ्ट में रह गया 45, राइट में चला गया माइनस 5y, तो बन गया 5y, और 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा 45 को, तो 45 बाय 5 इज 9, y की वैल्यू 9, तो लेंथ और विड्थ आ गई। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.5 हमने कर दी है फिनिश। अब आगे आप देखिए अगला वीडियो जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। थैंक यू।